दिन और रिजल्ट देखने के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ पुराना शर्ट, पुराना टी शर्ट, जीन्स, एनीथिंग, जो भी आपके पास कपड़े हो पुराने वाले, वो एक्सरसाइज करने से पहले एक बार डाल के देखिए, ठीक है? और एक्सरसाइज होने के बाद, मतलब तुरंत एक्सरसाइज होने के बाद मत डालिए, एक हफ्ते के बाद में या एक महीने के बाद में, मैं तो बोलता हूँ एक महीने के बाद में डाल के देखना, फर्क जरूर फील होगा आपको। दूसरा, नहीं तो एक वेट मशीन लाना, जैसे कि मैंने किया है। मैंने वेट मशीन ऑर्डर किया था स्टार्टिंग में, जैसे देखा था मैंने 104 किलो मेरा वजन था स्टार्टिंग में। जैसे 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 रिड्यूस होएगा, रोज़ का रोज़ भी देख सकते हो वेट मशीन। कपड़ों का क्या है, रोज़ नहीं चेक कर सकते हो। ये हो गया पहला, पहले तो कपड़ों का बोल दिया, दूसरा तो वेट मशीन का मैंने बोल दिया, और तीसरा जो है वो मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप तो सबके पास होता है, कमर, यू कैन सी योर वेस्ट, यू कैन सी योर स्टमक, यू कैन सी योर चेस्ट, सभी देख सकते हो। तो तीन चीज़ें हैं आज चौथे दिन में मैं बता रहा हूँ। एक है कपड़े डाल के जरूर ट्राई करना, दूसरा है वेट मशीन, और तीसरा है मेजरिंग टेप। सबसे इफेक्टिव जो है वो है वेट मशीन। ऑर्डर करना, ऑनलाइन आ जाएगा आपको, ठीक है? तो आज हमारा चौथा दिन है, दो ही एक्सरसाइज बताऊंगा, मगर फुल फ्लेज के साथ करना है दोनों एक्सरसाइज, जब तक आपको ठीक से पसीना ना आए। और जो जो एक्सरसाइज में दिखाता हूँ वो रिपीट करना, आपके हिसाब से रिपीट करना, जैसे कि आप मेल हो, फीमेल हो, एज एज के हिसाब से, ठीक है? उसके हिसाब से आप पूरा आपके हिसाब से करना, कुछ भी करना, मगर बॉडी को मूव करना, मूव करना चाहिए, कुछ भी करके बॉडी मूव होना चाहिए। कोई भी एंगल ले लो, हाथ ऐसे होते हैं। अभी मैं एक बताता हूँ आपको, एक 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 मैंने मेरे को एक व्हाट्सएप आया था, उसमें मेरे को बोल रहे थे करेक्शन, मेरे को एक्चुअली करेक्शन आया कि ये पैर ऐसे देने के बाद ये हाथ ऐसा आना चाहिए। ओके, ये आ गया तो भी चल जाएगा, ये आ गया तो भी चल जाएगा, ऐसे भी चल जाता है, ठीक है? मगर ये मेरा कोऑर्डिनेशन है कि मेरे को ऐसे ही आता है, ठीक है? आप कैसे भी करो, मगर बॉडी मूव होना चाहिए। बॉडी जो है वो कंप्लीट मूव होना चाहिए। 3 मिनट, मैंने जब पहले एपिसोड में मैंने बोला था, पहले वीडियो में, 3 मिनट टोटल बॉडी को हिलाना है। जब तक आप बॉडी को हिलाओगे नहीं, तब तक पसीना नहीं आएगा, हार्ट पंप नहीं होएगा, बॉडी ये नहीं होगी, ठीक है? और क्रैम्प्स के बारे में भी मैंने वीडियो डाल दिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप चौथे दिन का एक्सरसाइज करते, दो ही एक्सरसाइज।